ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट थियरी में हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। प्रूव करने के लिए क्या बताना पड़ेगा मुझे? ये बताना पड़ेगा कि जब कोई एक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाते हो तो वो वर्क पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। अलग अलग पाथ से अगर आप कोई पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर जाते हो तो वर्क सेम ही होता है दोनों कंडीशन में। क्लियर? चलो, तो ये प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले अपना एक सोर्स चार्ज ले रहा हूं एंड ये है कैपिटल क्यू। सोर्स चार्ज, इसका फील्ड होगा आसपास, बराबर। एंड ये सोर्स चार्ज को मान लो बेटा मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रख दिया, ओ पे रख दिया। अच्छा, इसके फील्ड में दो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब ए पॉइंट क्यू चार्ज से मान लो बेटा आर ए डिस्टेंस पे है, बी पॉइंट मान लो क्यू चार्ज से आर बी डिस्टेंस पे है। मुझे एक दूसरे चार्ज को, मान लो टेस्ट चार्ज को, बराबर, या फिर कोई भी दूसरे चार्ज को लेकर जाना है ए टू बी। अब ए टू बी लेकर जाने के लिए इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी बनती है, आप चाहो वो पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर। उसमें से मैं आपको सिर्फ तीन पाथ दे रहा हूं। चलो, फर्स्ट पाथ है एक डायरेक्ट ए टू बी, बराबर। सेकेंड पाथ मैं ले रहा हूं ए टू सी एंड सी टू बी। थर्ड पाथ आपको बता रहा हूं ए टू डी एंड देन डी टू बी। चलो, ए टू डी एंड देन डी टू बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं कोई एक स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर जा रहा हूं। तीन अलग अलग पाथ मैंने दे दिए, एक डायरेक्ट, एक ए टू सी सी टू बी, एक ए टू डी डी टू बी, बराबर। अच्छा, ए टू सी का, सॉरी, ए टू बी का जो पाथ है वो तो डायरेक्ट है, लेकिन जो मैंने दो पाथ लिए है ना वो मस्त मेथड से लिए। बोले दो, जो ए बी पाथ होगा ना, करेक्शन, जो ए सी पाथ होगा ये वाला, वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर लिया है। सर कैसे? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? आउटवर्ड। तो देखो, यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, बराबर। तो मैंने जो अपना फर्स्ट पाथ लिया है ए टू सी, वो पाथ चेक करो, ए टू सी पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद मैं बी पॉइंट पे पहुंचने वाला हूं, कैसे? सी टू बी। तो सी टू बी का जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है, पहुंच गया बी पे। उसके बाद मैं सेकंड पाथ लेने वाला हूं, कौन सा? ए टू डी टू बी। उसमें ए टू डी पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल लिया है एंड डी टू बी पाथ परपेंडिकुलर लिया है। मैं सॉल्व करने वाला हूं ए टू सी टू बी, आपको खुद करना है ए टू डी टू बी, बराबर। मैं जो आंसर लाने वाला हूं ए टू सी टू बी के लिए, आप चेक करना क्या आपका आंसर ए टू डी टू बी के लिए सेम आ रहा है। अगर बेटा ये दोनों आंसर सेम आ गए, वर्क की फॉर्मूला अगर दोनों कंडीशन में सेम आ गई, मतलब वर्क पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग पाथ से होकर भी सेम वर्क आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, बराबर। तो मैं बेटा यहां पे लेने वाला हूं पाथ कौन सा? ए टू सी टू बी। इसमें भी दो पार्ट, एक हम देखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी टू बी। क्लियर? फर्स्ट ये फाइंड कर लेते हैं। चलो, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बेटा आपके पास, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा सर, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर दी?
क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है। सर कैसे कांस्टेंट फोर्स हुआ? जब ए टू सी पे जाते हैं बेटा, इसका हर एक पॉइंट क्यू चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होता है, तो सर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम हुआ ना, कैसे नॉन यूनिफॉर्म हुआ? बेटा डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ हर एक पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? हाँ, पूरी जर्नी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है बेटा, समझ में आ रहा है? मैं यहाँ से ए टू सी गया, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है? चेंज हो रही है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब मुझे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्लियर? अच्छा, यहां पे ये क्यू चार्ज में ले रहा हूं, स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लेकर जा रहा हूं ये पाथ से होकर। अब बताओ क्यू चार्ज पे इसका जो फील्ड होगा ई, फोर्स कितना फील किया इसने? क्यू ई वेक्टर, समझ में आ रहा है? डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी उस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा कौन सी डायरेक्शन बेटा? ए टू सी, ए टू सी। अब डिस्प्लेसमेंट है ए टू सी मतलब इस डायरेक्शन में, तो डी आर इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, एंगल 90, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस 90 जीरो। वर्क डन पूरी जर्नी में नहीं होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं ये चेयर को यहां से, अच्छा पहले ये बताओ चेयर पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। चेयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं ये चेयर को बेटा पुल करके यहां से यहां पे लेकर आया। अब यहां पे चेयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। पूरी जर्नी में चेयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होता है। समझ में आया? वैसे ही यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू सी, तो पूरी जर्नी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पाथ हम लेने वाले हैं कौन सा? वर्क डन ड्यूरिंग सी टू बी। मान लो बेटा सी पॉइंट जो है वो आर सी डिस्टेंस पे है, बी पॉइंट जो है वो आर बी डिस्टेंस पे है। बोलो वर्क डन की फॉर्मूला क्या होगी? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। चलो फोर्स की फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बराबर। जैसे जैसे दूर जाएंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, बट इसका जो मैग्नेट्यूड होगा वो कम होता जाएगा, मतलब वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला होती है, बराबर ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में है एंड मैं जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेने वाला हूं वो कहां से कहां लेने वाला हूं? सी टू बी। चलो सी टू बी की डायरेक्शन में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लो, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, डी आर उस डायरेक्शन में, एंगल जीरो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना क्यू ई डी आर कॉस जीरो, कॉस जीरो वन। समझ में आ रहा है? तो अंदर बचा बेटा क्यू ई डी आर। अच्छा, क्यू को मैं बाहर लिख रहा हूं, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? क्यू चार्ज का, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, कहां से कहां आपको लिमिट पुट करनी है? सी टू। अब बेटा सी पॉइंट है आर सी डिस्टेंस पे एंड बी पॉइंट है आर बी डिस्टेंस पे, तो लिमिट हम पुट करेंगे आर सी टू आर बी। के क्यू को भी बाहर ले सकते हो, वो भी कांस्टेंट है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे? तो पहले वेरिएबल को ऊपर लेना पड़ेगा, बोले तो आर एस टू माइनस टू डी आर, लिमिट फ्रॉम आर सी टू आर बी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता था? पावर में प्लस वन करो,
इंक्रीज्ड पावर को नीचे लेकर आओ। माइनस टू पावर थी ना, पावर में प्लस वन करो, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, एंड यही इंक्रीज्ड पावर को नीचे लेकर आओ, लिमिट फ्रॉम आर सी टू आर बी। अगर इंटीग्रेशन बेटा नहीं आता तो चैप्टर जीरो की भी वीडियोस है, बराबर, वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये माइनस वन, अच्छा ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, माइनस वन अपॉन आर, लिमिट फ्रॉम आर सी टू आर बी। अच्छा वैसे लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, अपर माइनस लोअर, लेकिन जब कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम लिमिट पुट करते हैं लोअर माइनस अपर। आर के बदले पुट करेंगे लोअर लिमिट, बोले तो आर सी, वन अपॉन आर सी माइनस अपर लिमिट वन अपॉन आर बी। समझ में आ रहा है? तो ये आपको मिला बेटा वर्क डन ड्यूरिंग सी टू बी। कोई डाउट है? मुझे तो फाइंड करना था वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी टू बी। चलो, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी टू बी, अरे इसके लिए मैंने क्या लिखा, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी टू बी। बताओ ए टू सी में वर्क क्या था, सी टू बी में वर्क क्या मिला, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन टू वन अपॉन आर सी माइनस वन अपॉन आर बी आएगा। ये हो गया बेटा टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी टू बी। अच्छा बेटा, मेरे लिए मेन पॉइंट कौन से थे, ए था बी था, मुझे ए टू बी तक जाना था। ये सी तो मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिया है कि पहले परपेंडिकुलर पाथ फिर पैरेलल पाथ। सी एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, वो अपना पॉइंट नहीं है। अगर मैं बोलूं बेटा यहां से मुझे साईं बाबा के मंदिर में जाना है, बराबर ना, तो दो पाथ निकलेंगे, सीपी नगर से होकर जाओ तो सीपी नगर अपना एक इंटरमीडिएट पॉइंट हुआ कि यहां से होकर जाना है। सेकंड में बोल सकता हूं सताधर होकर जाओ, बराबर। वैसे ही यहां पे सी पॉइंट बेटा मैंने एक ऐसे ही पॉइंट लिए, रेफरेंस लिया कि यहां से होकर गया। सी अपना कोई मेन पॉइंट नहीं है, तो यहां पे जो फॉर्मूला में आर सी आया वो भी तो नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो देखो, ए एंड सी पॉइंट इससे एक्चुअली परपेंडिकुलर पाथ पे है ना, तो मेरा बेटा मेन पॉइंट कौन सा है कि वो पॉइंट से जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सी का होता है, ये एक्चुअली आर्क बन जाती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये फॉर्मूला में आर सी इज इक्वल टू आर ए। अब ये यहां पे यूज कर दो, बताओ वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी टू बी क्या मिला, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन टू वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। समझ में आ रहा है? क्लियर, सिंपल, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्मॉल क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू के फील्ड में लेकर जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वर्क की फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, किसकी फॉर्मूला है ये, तो कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम स्मॉल क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन, लास्ट टाइम कैपिटल क्यू चार्ज का फील्ड है, स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी आएगा, पक्का।